देश भर में ईंधन की खपत कम करने और पर्यावरण की रक्षा के साथ देश को सक्षम बनाने के लिए वॉकथॉन का आयोजन किया गया। रविवार को आयोजित वॉकथॉन में 300 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। वॉकथॉन पॉलिटेक्निक कॉलेज से शुरू होकर पॉलिटेक्निक कॉलेज पर ही खत्म हुई। देश की तेल और गैस उत्पादन कंपनियों द्वारा सक्षम 2020 का आयोजन किया जा रहा है। देश के करीब 624 शहरों में ईंधन बचाने के लिए वॉकथॉन आयोजित की गई। इसे फिट इंडिया से जोड़ा गया है क्योंकि फिट इंडिया ही सक्षम इंडिया बना सकता है। गेल इंडिया द्वारा आयोजित वॉकथॉन में बताया कि भारत विश्व का तीसरा सर्वाधिक ऊर्जा खपत करने वाला देश है। इस खपत को कम करने के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। आयोजन में बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। ये तो बहुत अच्छा रहा, नो डाउट। तो मैं आपको बता दूँ, पेट्रोलियम रिसर्च कंजर्वेशन एसोसिएशन के द्वारा है ना ये प्रोग्राम रचाया गया था, जिसको गेल इंडिया लिमिटेड को करना था। तो हमारा 1200 का टारगेट था, शायद ठंडी की वजह से थोड़ा टर्नआउट कम रहा होगा, लेकिन इसका उद्देश्य ये था, पर्यावरण की सुरक्षा और सेहत के प्रति जागरूकता तैयार करना और ऊर्जा की बचत करना है। क्योंकि ऊर्जा के माध्यम से अपने देश का काफ़ी पैसा फॉरेन में जाता है, जिसको बचत होना ये है। और पर्यावरण की सुरक्षा के करते करते हम लोग का काफ़ी फायदा होता है, जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग हो जाता है, जंगल्स डेवलप हो जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग रुक जाएगी, तो ये सारे फायदे हैं उसके अंदर। सर, लगभग कितने बच्चे आए थे? मुझे लगता है कि 600-700 बच्चे आए।